आप सर 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहे, ठीक रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे ऐसे शख्स जिन्होंने लगातार दूसरा कार्यकाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित। माय डियर सर, मोदी के पिछले जन्म की। प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे प्रशासक है, ओजस्वी वक्ता है, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मिशन में लगे हुए हैं। इस मिशन की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती रही है, ये बातें वो कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये बात उन्हें शायद खुद भी न पता हो कि इन सबकी जड़ में है उनका पिछला जन्म। आप ये देखिए, ये टाइम्स नाउ है, एक निहायत बेशर्म टेलीविजन चैनल जिसमें वो मैंने आप उत्तर नहीं है उस मूर्ख आदमी को, उस अपराधी को, उस क्रिमिनल को, हाफिज सईद का जो बाप है उसको तुमने टेलीविजन पे बैठा रखा है, अर्णव गोस्वामी को। क्यों मिले हाफिज सईद को? मैं उस मूर्ख आदमी ने, अर्णव गोस्वामी ने कल नाक क्यों रगड़ी? आप अर्णव गोस्वामी की तरफ से क्यों मेरे, आप जाइए यहाँ से, निकलिए मेरे यहाँ से, आप मेरे यहाँ से निकलिए। मैं टाइम्स नाउ जैसी घटिया चैनल को, इसको निकालिए इस आदमी को। नहीं, आतंकवादी आप हैं, आप आतंक आप फैला रहे हैं, आप झूठे सवाल कर रहे हैं, आप पार्शियल सवाल कर रहे हैं, आप निकलिए यहाँ से। टाइम्स नाउ सबसे गंदा चैनल मीडिया का, मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी कमाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम,
तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की, सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। नाथूराम गोडसे की गिरफ्तारी के 655 दिन बाद अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी हुई थी, लेकिन फांसी से पहले दिल्ली के लाल किले में जवाब दे दीजिए कि आपको सेना पर भरोसा है या नहीं। इन 60 महीनों में प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि कोई एक काम छूट गया है जो अभी आप करना चाहेंगे? मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? आजकल एक टीवी चैनल की बड़ी चर्चा है, आपको पता है? आपके नाम से एक टीवी चैनल चल रहा है हिंदुस्तान में। हाँ, क्या हाँ, है ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है? अखबार आप, टी शर्ट आपके नाम की बिक रही है, टोपियां आपके नाम की बिक रही है, अब एक टीवी चैनल आ गया नमो टीवी। चला रहे हैं कुछ लोग। देख नहीं पाया वो भी, मैं देख नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिलता इतना। इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। हमने आपके और इंटरव्यूज पुराने देखे हैं, अलग अलग जगह पर आपने जो दिए। जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, आपने कहा कि आप इन्वॉल्व थे, आप देख रहे थे, आपको जानकारियां मिल रही थी, आपने खुद ने माना। क्या इस वक्त भी जब बालाकोट हुआ, एयर स्ट्राइक्स हुई, तब भी आप इन्वॉल्व थे, आपको पता था, आपके पास जानकारी आ रही थी? ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। मैं सोया नहीं, और मैं कैसे सो सकता हूं जी, जब मुझे पता है कि 1 बजे होने वाला है, 1:30 बजे होने वाला है, 2 बजे होने वाला है, ये पता है, और मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूं। तो मैं ये तो नहीं चाहता था कि हर पल कोई मुझे रिपोर्ट करे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता था कि होने के बाद मैं जागता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, होने के बाद मुझे बताइए। सच में ना आप सोते हैं ना सोने देते हैं। मैं किसी को जगाता नहीं हूँ, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? ये नवरात्रि उतना कठिन नहीं होता है जितना मेरा सितंबर अक्टूबर वाला होता है, लेकिन मैं जमा लूंगा मामला। कुछ नहीं खाते हैं नवरात्रि में? पूरी तरह उपवास करते हैं जी? नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे कि इसमें आपको कम थकान होती है? इसमें कुछ मतलब, उसमें क्या ज्यादा कठिन तपस्या होती है, इसमें कम होती है व्रत की? मैं पपीते के सिवाय किसी चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ, तो कैसे एक चीज तय करता हूँ और उसके आधार पर फिर मैं चलता हूँ। अभी आपने तय कर लिया है? वो करूंगा मैं, और वो भी कोई पब्लिक का विषय नहीं होता है। कौन बेहतर है हिंदुस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान के साथ संबंध मधुर बनाने हैं, नवाज शरीफ से टैकल करना आसान था या इमरान खान को टैकल करना आसान है? देश के मन में एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों गांधी भाई बहनों में से बेहतर नेता कौन सा लगता है? अभी गांधी परिवार के सदस्य प्रियंका वहाँ थी और उन्होंने दर्शन नहीं किया रामलला के, हनुमान गढ़ी से लौट गई, इसको कैसे देख? एक चीज मैं तब से नोट कर रहा हूँ जब से आप कांग्रेस के जवाब दे रहे थे, मैं कई दिनों से ये बात सोचता भी था, आपसे पूछूंगा कभी मिलने पर, आप कभी अपने मुंह से राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कभी शहजादा बोलते हैं, कभी राजा साहब बोलते हैं, महाराजा, नेवर एवर, नामदार, क्या मतलब क्यों?
हम उनका नाम देने की हिम्मत ही नहीं कर सकते जी, हम तो छोटे लोग हैं जी। ये जो आप बात कहते हैं कि गाली को आप गहना बना देते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। मैं आगे बढ़ता हूँ विद योर परमिशन। प्राइम मिनिस्टर साहब, इस बार चुनावों में पहली बार अमित भाई भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो आपके आने वाली सरकार में नंबर दो की पोजीशन पे होंगे? आपकी एक्सपायरी डेट है मुझे। प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी आखिर में हम लोग आ चुके हैं, आपने 5 साल पहले कहा था कि मैं तो दिल्ली का आदमी नहीं हूँ, दिल्ली में नया हूँ, एडजस्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। 5 साल बीत गए हैं, अब आपको लगता है कि दिल्ली भाग गई है? देश के मन में एक और प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इज इट एनी वंडर दैट एवरी कॉन्वर्सेशन वी हैव इन आवर कंट्री इज अबाउट रिलीजन, दैट एवरी कॉन्वर्सेशन इन आवर कंट्री इज अबाउट आवर डिफरेंसेस, दैट ऑल टाइप्स वी हैव जस्ट बीन टॉट टू हेट ईच अदर, वी हैव बीन टॉट दैट द मुस्लिम्स are violent, that the Christians want to convert everybody, that the Hindus want to take over. Who's teaching us this?